हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी आज सुबह से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह भी नहीं है, नाश्ता बन चुका है और दोपहर का खाना भी हम लोगों का बन चुका है, क्योंकि रोटी सब्जी ही है दोपहर के खाने में। उसके बाद फिर अपना सारा काम ख़त्म कर लिए हैं। नाश्ता बनाने के बाद पहले वीडियो को पूरा एडिट किए, क्योंकि किए नहीं थे, ऐसे ही पड़ा हुआ था। फिर एडिट किए, फिर अपलोड किए, तब जाके उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी काम था, कमरा का समेटने का था। अभी तो बेडरूम में मच्छरदानी ऐसे ही लगा हुआ है, क्योंकि सोचना है थोड़ी देर अब काम करके फिर खाना खिला देंगे बच्चों को, तो लेटेंगे। वो बिना मच्छरदानी के अब नहीं रहने लायक है, तो छोड़ दिए हैं। कि जब बच्चे तो नहीं सोएंगे, वो काफ़ी देर में सो के उठे हैं तो वो तो नहीं सोएंगे। यहाँ सोच रहे हैं कि अस्तर फाल भी दो ब्लाउज सिलने हैं और एक फाल लगाना है, तो निकाल के उसको भी भिंगो देंगे, ताकि अस्तर का जो भी सिकुड़ना रहता है ना कपड़ा, तो वो हो जाएगा। फ़ोन चार्ज में लगाए हैं तो ऐसे बात कर रहे हैं, चार्ज में लगा हुआ है। अच्छा, पता नहीं क्यों धुधला आता है। काम लगभग पूरा ख़त्म हो गया है, बस खाना देना है बच्चों को। खाना दे देंगे, फिर वही कपड़ा भिंगो के रख देंगे ताकि वो सब हो जाए। तो धीरे धीरे अब लगेंगे, क्योंकि अभी यही इधर बीच 10 दिन का समय है मेरे पास। फिर बच्चों का फिर कॉपी किताब खरीदना, यूनिफॉर्म भी खरीदना, फिर सब कवर लगाओ, ये करो वो करो, फिर बहुत सारा, फिर समय नहीं मिलेगा। 31 मार्च के बाद ये सब काम कर रहा है। मिस्टर का फ़ोन आ गया, ओम के जो टी शर्ट मंगवाए थे ना, तो वही आ रहा है। तो कह रहे हैं गेट पे खड़ी हो जाओ, पैसा निकाल लो, गेट पे खड़ी हो जाओ। अच्छा, देव का ओम का दोनों का साथ में मंगाए थे, लेकिन ओम का लेट हो गया, देव का आ गया तुरंत। तो बहुत अच्छा कपड़ा निकला देव का, मतलब उम्मीद नहीं थी कि, पता नहीं, नहीं लगता है, डर लगता है कि कॉटन होगा कि नहीं होगा, लेकिन बहुत बढ़िया कपड़ा निकला। एक टी शर्ट आया, 3 मंगवाया गया है, पूरा 6 ऑर्डर किया गया था, 3 देव का, 3 ओम का। तो देव का तो 3 मतलब नहीं होता, एक ही पैक में 3 था, तो उसका तो एक ही साथ आ गया तीनों। और ओम का तीनों अलग अलग था, तो एक एक करके आ रहा है। अभी आज एक आया, अब देखिए कब एक और आता है, कब एक और आता है, धीमे धीमे, मतलब डेली का होता है ना। अब जितने आते हैं ना, नए आते हैं, तो उनको रास्ता नहीं पता होता है, फिर जाके गेट पे खड़े रहो। पर भी आज मलाई भी निकाल के रखे हैं, इसको भी घी बनाना है। थोड़ा देर ठंडा रहता है ना, तो निकाल के बाहर रख देते हैं। खाना आपको दिखाएं, ये है सब्जी, आलू लौकी की सब्जी है, आलू लौकी की सब्जी है, रोटी सब्जी ही है, बना के पहले ही रख लिए हैं कि अब नहीं करना, मतलब कुछ काम नहीं है। चना अभी भिंगो है, खाए नहीं है, चना भी रखा हुआ है। चाय ब्रेड बस नाश्ता कर लिए थे, चना आज सुबह भिंगोए हैं, 6 या 7 बजे भिंगोए थे, भूल गए थे रात में भिंगो ना, तो सुबह भिंगोए हैं, तो क्या थोड़ा सा और अच्छे से फूल जाए। तब दूध भी चढ़ा देते हैं, दूध कह रहे घी चढ़ा देते हैं, घी भी बन जाएगा, मलाई तो काम हो जाएगा। अभी कपड़ा बच्चों का टी शर्ट इकट्ठे दिखाएंगे, जब आ जाएगा पूरा तब एक एक करके क्या दिखाएं। देव तो कल पहने थे, जो कल पहने थे उसमें से ही एक था। अभी हम लोग का खाना भी हो गया और घी भी बन गया, बना लिए हैं, गरम नहीं है अब तो, वो भी जमेगा भी नहीं, बाद में घी के डब्बे में छानेंगे। इधर बर्तन भी धुल दिए, काम ख़त्म हो गया। ये तो अभी कढ़ाई में तेल रखा हुआ है, क्योंकि अभी भी यहाँ कोई ना कोई आना जाना लगा रहता है, तो अभी रखे हैं। और आज अस्तर और फाल को भी धो के छत पे डाले हैं, अभी जा रहे हैं उसको भी ले आए। अभी तो नहीं सिलेंगे, क्योंकि 2-3 दिन तो इधर भी अभी आराम करेंगे। अभी धुल के रख दिए हैं कि प्रेस करके रख देंगे, जिस दिन हल्का फील करेंगे तो उस दिन काट के सिलेंगे। अब नहीं हो पाता, पहले ब्लाउज तो पहले ये भी था ना कि काम बहुत कम करना पड़ता था। पहले शादी से पहले तो खैर बहुत सिलाई करते थे, मतलब बाहर ही नहीं करते थे, लेकिन घर के लोगों का
चाहे अपनी शादी का, और शादी के बाद भी थोड़ा बहुत था कि कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात होती है ना कि आदत छूट जाती है ना, अब सिलाई करने की आदत बिल्कुल छूट गई है, तो अब नहीं मन करता है। एक दो ब्लाउज भी हो जाता है तो बहुत हिम्मत जुटाना पड़ता है, और ये रहता है ना कि अपने सोने वाले समय में सिलाई करना है। तो अभी लेटे थे, आँख थोड़ा सा भर आया, लेकिन उठे तो फिर दूध का भगोना नहीं था, तो हम कहे चले खाना भी खा ले, बर्तन भी धुल दे, क्योंकि लेट जाओ ना तो फिर बच्चे रहते तो बच्चे दूध ले लेते। गुड इवनिंग, अभी शाम का समय हो रहा है, हम लोग हो गए हैं तैयार। हाँ आप निकलिए, हम कर रहे हैं, तैयार हो गए हैं, जा रहे हैं बाहर। अभी अचानक से इनका फ़ोन आया कि तैयार हो जाओ, कोई वो नहीं था, लगा नहीं था कि जाना है, लेकिन इनका फ़ोन आया। अगर थोड़ी देर भी पंखा चलाए बगैर रहने लायक नहीं है। कड़ा भी इसकी मैचिंग है, डाल लिए, बहुत अच्छा लगता है मुझको कड़ा इसी तरह का, बहुत अच्छा लगता है। याद हो गया, अभी पूरा लुक दिखाते हैं। ये देखिए इनका अभी टी शर्ट आज आया है, तो आज ये शर्ट नहीं पहने थे, तो फिर वही वाला पहने हैं कल जो पहने थे। इनका ब्लैक आया है, काफ़ी अच्छा है टी शर्ट, कपड़ा मतलब बहुत अच्छा है। दोनों लोग तैयार हो गए हैं, बाहर से बदमाशी करता रहती है ना, बदमाश लड़का है ना, कुछ कुछ एक्टिंग कर देखिए ऐसे 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 चिढ़ा रहा है। एक तो दांत पूरा उबड़ काबड़ सीढ़ी की तरह इसकी दांत है, ऐसे 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 करता है ना, तो और देख के गुस्सा आता है। पाल और वो जो अस्तर धुले थे, धुल के ला के यहीं पे रखे अभी। ये वाली सूट काफ़ी फिटिंग है, इसकी फिटिंग अच्छी है। इधर बीच पेट थोड़ा कम हो गया है ना, तो लूज लूज लग रहा है, नहीं तो ये पूरी फिट थी, ये सही है। अब लाइट बंद करते हैं, चलते हैं बाहर, चलते चलते चलो, देर हो रहा है, लड़ाई हो रही। जब आज ये तैयार हो गए तो आज इनका कितना देर कर रही हो, कितना देर कर रही हो, और रोज़ हम जल्दी तैयार हो जाते हैं तब नहीं, एक दिन तैयार हो गए पहले तो, अब बोले थे हम लोग तैयार नहीं होते थे। रुद्दी अभी बाहर है, अभी इसीलिए रखे थे इतने, अल्लाह नहीं रखे कि इसको वो अभी बाहर ही रहने दें, क्योंकि जानते हैं बाल लगा। अभी हम लोग आ गए वहाँ से, अब आने को तो 15 मिनट हो गया है, लेकिन बाल पूरा गाड़ी पे जाओ तो पूरा बाल ख़राब हो जाता है। आ गए हैं, खाना बनाना है अभी, तो जा रहे हैं अभी बनाएंगे, कपड़ा चेंज कर लें फिर बनाएंगे। और ज़्यादा फेस पे तो कुछ लगाए नहीं रहते, वही फेयर लवली जो लगाते हैं आयुर वाला, अरे आयुर्वेदिक वाला वही रहता है, और कुछ नहीं लगाते। जब कभी पार्टी में जाना रहता है तब सीसी क्रीम लगाते हैं, ऐसे नहीं लगाते, क्योंकि काफ़ी मतलब लगाना तो वो थोड़ा रहता है, लेकिन काफ़ी हैवी रहता है वो भी, तो नहीं लगाएंगे। बस कपड़ा चेंज करेंगे फिर खाना बनाएंगे। मेरे को लग रहा है कि कल ही का थोड़ा बहुत नहीं सूखा था, देखिए तो नहीं दिख रहा है, हो गया। वहाँ गए थे तो वहाँ तो चाहते तो वीडियो बना सकते थे, क्योंकि उन लोगों से आप पहले भी मिल चुके हैं, तो लेकिन फिर नहीं बनाए कि नहीं अच्छा लगता। एक बार दिखा दिए ही हैं, और ओम के बर्थडे पे आए थे सब लोग, वैसे बीच बीच में आते जाते रहते हैं, लेकिन मेरा इस बार बहुत ज़्यादा दिन पे जाना हुआ था। हाँ मुझको लग रहा है कि लगभग साल भर होने वाले होंगे, चाहे थोड़ा बहुत कम होगा, बहुत काफ़ी दिन बाद गए थे तो इस वजह से भी जाना था। आज अगर नहीं जाते तो वो बोल रहे थे कि अगर आज नहीं जाती आती तो फिर फ़ोन करके पूछने वाले थे, तो आज हम लोग आते। फिर हम लोग पहले ही पहुंच गए, 6:30 या फिर 7 बज रहा होगा, 6:30 ही हो रहा होगा, तो हम लोग ही चले गए। हम लोग कहे कि एक दिन पहले ही बात हुई थी, तो कहे थे कि देखना भाई, वो लोग नहीं निकल पाती क्योंकि फैमिली उनकी बड़ी है, तो बहुत सारे आना जाना लोगों का लगा रहता है। देखिए हम लोग तो सिंगल रहते हैं ना, तो हम लोगों के यहाँ उतना ज़्यादा नहीं रहता, ज्वाइंट फैमिली रहती है तो वहाँ पे कोई ना कोई आना जाना लगा ही रहता है,
तो घर छोड़ के निकलना नहीं हो पाता है, वही है कि चले गए अमीर हो, कोई नहीं होता जाने के लिए। तो ओम के बर्थडे के बाद ही सोचे थे जाने के लिए, कई बार बुला चुकी हूँ लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। हम कहे चलो होली के बहाने मिल भी लें, हो भी जाए। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो का भी एंड कर देते हैं, फिर कपड़ा चेंज करें फिर किचन में चले। तो अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी मेरी वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।